नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाला हूँ यहाँ पे मैं गाइस लॉरस लैब्स की, और लॉरस लैब में बहुत ज्यादा समय बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए लॉरस लैब ना इतना शानदार मौका वापस से दे रहा है इसमें खरीदारी का, खास करके उन निवेशकों के लिए जो एक लॉन्ग टर्म में देखना चाह रहे हैं, स्टॉक को खरीदना चाह रहे हैं। देखिए मैंने इस पे वीडियो इसलिए नहीं बनाया, बहुत समय से ये इतना ज्यादा भाग चुका था और मुझे इसकी वैल्यूएशन इतनी एक्सपेंसिव लगती थी कि मुझे कोई भी तुक नहीं दिख रहा था कोई नई कह लीजिए खरीदारी करने का। प्लस बाजार बहुत वीक दिख रहा था, तो वो कहते हैं ना तमाम चीज जब इतनी निगेटिव हो जाए तब स्टॉक्स निकल जाइए। और देखिए उसके बाद से जो गिरावट शुरू हुई है और वापस ये वही मिल रहा है जहां इसका बहुत शानदार सपोर्ट रहा है, जहां पिछली बार ये एक कह लीजिए बहुत जबरदस्त तेजी दिखानी शुरू किया था। तो क्या है पूरा मामला, क्या करना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, और यदि आप ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हैं तो क्या करना चाहिए, तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियो होने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक कीजिएगा और के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 5.11% की गिरावट, 5.11% की इसमें आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और देखिए ये जो सिर्फ 5.1% नहीं, पिछले अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें अगर तेजी की बात जो हो रही है, अगर आपको देखो उसकी तेजी की इसमें गिरावट की बात जो है, पिछले 6 महीने में आप जरा देखिए ऊपरी स्तरों पे जो सर 611 से ये देखेंगे आप तो लगभग 23.5% से ज्यादा की गिरावट ये स्टॉक दिखा चुका है। और देखिए ये जो लेवल है ना, ये लेवल ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार की ये तेजी जो एकदम भयंकर शुरू हुई थी वो यही हुई थी। क्या है वो लेवल, देखिए 464, उसके बाद ये हाई गए बनाया इसने 464 के बाद 30% ज्यादा का, और अब वापस से इसमें गिरावट हो रही है। ठीक, हाँ स्ट्रक्चरली वाकई वीक हो गया है। और बात करूं मैं आपको अगर कॉल की, तो देखिए बहुत ही अच्छी कह लीजिए कॉल दी गई है इसमें। देखिए लॉरस लैब फ्यूचर सेल सेल की बात कही जा रही है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 492, वहां से भी टूट चुका है ये, 540 का स्टॉप लॉस लगाए बात की जा रही है, और टारगेट 450 से 440। और मुझे पर्सनली लग रहा है जो ये 450 है ना दोस्तों, ये लॉरस लैब का ना बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा दोस्तों। ठीक है, अगर यहाँ पे ये स्टॉक आए तो अगर आप फ्रेश इन्वेस्टर ही हैं, अगर अभी तक इन्वेस्टेड नहीं है लॉरस लैब में, बहुत ज्यादा शानदार मौका होगा ये। ठीक है, क्योंकि देखिए 500 जब इसने तोड़ा ना तो इसका एक तगड़ा सपोर्ट टूटा, उसके बाद से 450 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 450 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है, और मैं मुझे लगता है 450 ये बहुत ज्यादा अच्छा कह लीजिए लेवल होगा फॉर अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब बात करूं मैं आपसे कि भाई जो जो शेर खान है उसने इसमें क्या टारगेट दिए, तो देखिए शेर खान का मानना है देखिए बाय लॉरस लैब टारगेट ऑफ ₹735, 735 रुपए का टारगेट दिया गया है शेर खान के द्वारा। ठीक है, आगे अगर हम चले तो आप देखिए पोटेंशियल गेन की बात करें, गिवन द ब्रोकरेज टारगेट प्राइस एंड द स्टॉक सीएमपी द स्टॉक हैज अ मैसिव अपसाइड पोटेंशियल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 57% ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ, आने वाले 12 महीनों में 57% के ये पोटेंशियल अपसाइड टारगेट देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए लॉरस लैब इन इट्स एनुअल रिपोर्ट हैज शेयर्ड इनकरेजिंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स दैट आर वेल सपोर्टेड बाय कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स एंड द मैनेजमेंट हैज रिटेन्ड इट्स रेवेन्यू गाइडेंस ऑफ $1 billion बाय फाइनेंशियल 2023। ठीक है, अब आप देखिए जब रिजल्ट आया ना तो जो कंपनी की मैनेजमेंट है बहुत शानदार कह लीजिए आने वाले समय ग्रोथ प्रोस्पेक्टस की बात की है, कैपेसिटी एक्सपेंशन जबरदस्त है, मैनेजमेंट ने कहा है $1 billion की रेवेन्यू गाइडेंस दी है फाइनेंशियल 23 में। और देखिए इसी के बाद से जो तेजी आपको देखने को मिली वो बड़ी शानदार थी, द रीसेंट ट्रेंड सजेस्ट दैट फ्राइट कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू नॉर्मलाइज इन द सब्सिक्वेंट क्वार्टर एज द कंटेनर अवेलेबिलिटी हैज बीन इंप्रूविंग। देखिए जो कंटेनर अवेलेबिलिटी है ना उसके कारण जो फ्राइट कॉस्ट है वो अब सामान्य होने वाली है, क्योंकि पिछले काफी समय से जो फ्राइट की जो कमी थी, जो कह लीजिए कंटेनर की कमी के कारण जो फ्राइट कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, यानी अब तमाम चीजें सही हो रही हैं। ये जो आप गिरावट देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो पूरे बाजार में एक भयंकर गिरावट हो रही है उसका कारण है। तो मेरे हिसाब से जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं 450 के आसपास लॉरस लैब में बिल्कुल पोजीशन बना सकते हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म दोस्तों।
तो मंडे का जो दिन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर 450 से भी नीचे अगर जाकर ये क्लोज देता है तो चीजें थोड़ी सी मुझे लगता है और वीक हो सकती हैं। 400 420 के आसपास ही आपको जाने को स्टॉक दिख सकता है, लेकिन 450 लॉरेंस लैब के लिए बहुत बहुत बड़ा आप कह सकते हैं एक सपोर्ट है। तो यदि एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।